शिवानी कुमारी अब बिग बॉस से बाहर भाईली ले शिवानी के बिग बॉस से दूर हमारे भाई कि ओ अपनी भाषा बोल रही है तो इसका मतलब वो बिग बॉस तक नहीं पहुंच सकती। सब ही के दिल वाक खास रहले पूरा यूपी के सिरवा के ताज रहले। वाह वाह, शिवानी कुमारी पर भी ये कई सारे गाने गाए हैं और वही शिवानी कुमारी जो बिग बॉस से बाहर कर दी गई हैं। आइए हम उन्हीं सब मुद्दों पर कुछ बातें करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है मोहिनी जी। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कुमारी को जानती हैं? जी बिल्कुल जानते हैं, जब से बिग बॉस में आए तभी से जान रहे हैं। देखती थी आप बिग बॉस? जी बिल्कुल। अब उनको बाहर कर दिया गया है? जी मुझे पता है, कल ही मुझे पता हुआ। और उस टाइम कई रिपोर्टर भाई आए भी थे और बताए तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ और तो उनके लिए दो लाइन गीत भी लिखे उसी टाइम बैठे बैठे। अच्छा, तो सभी को, मुझे ही नहीं पूरा यूपी पूरा भारत के देशवासी सभी तकलीफ में हैं कि सभी को गर्व था कि हमारी गांव से उठी एक बिटिया बिग बॉस तक पहुंची है तो अपना नाम रोशन करके आए और हम सभी को गर्व हो। लेकिन कल सभी के सपने पर पानी फिर गया, सपना टूट गया कहीं। जी तो उस पर गाना लिखे जी। भयल शिवानी के सपना चकना चूर हमारे भैया, भयल यूपी के सपना चकना चूर हमारे भैया, कैले शिवानी के बिग बॉस से दूर हमारे भैया, कैले शिवानी के बिग बॉस से दूर हमारे भैया। सपना सजावले रहले सब लोग अनोखा, भायल शिवानी के संगवा बड़ भारी धोखा, कि सपना सजावले रहले सब लोग अनोखा, भायल शिवानी के संगवा बड़ भारी धोखा, दुखिया गरीब मजदूर रहली भैया, दुखिया गरीब मजदूर रहली भैया, कैले शिवानी के बिग बॉस से दूर हमारे भैया। क्या बात है, देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत इनका गला है और जब गाती हैं तो एकदम समा बांध देती हैं। मंजू मोहिनी जी, कब से आप गा रही हैं? हम 2.5 साल से गा रहे हैं। 2.5 साल से? 2.5 साल में बहुत सारे सुपरहिट गीतें आपकी सुनी गई हैं, देखी गई हैं। जी बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, जनता लोग मेरे भगवान समान है, क्योंकि शुरू में गाया करती थी तो मुझे ब्यूज बहुत कम मिलता था, फिर भी मैं निराश नहीं होती थी, मुझे उम्मीद था कि मैं मेहनत करूँगी, छोड़ूंगी नहीं और एक दिन उस मुकाम तक जरूर पहुँचूंगी, लोगों का प्यार आशीर्वाद लेके ही रहूँगी। हमने एक मंजू मोहिनी ऑफिशियल चैनल बनाया, उसी पे सभी गाने अपलोड करते हैं, वही मेरा मंजू मोहिनी ऑफिशियल। जी अच्छा, बिग बॉस से शिवानी कुमारी बाहर हो जाती हैं तो आप किसको दोषी मानती हैं कि कौन ऐसा था जो जिसकी वजह से वो बाहर हो गई? देखिए, बिग बॉस तक अगर शिवानी पहुंची थी तो उनके अंदर टैलेंट, खास टैलेंट जरूर था, तभी वहां तक पहुंची थी, क्योंकि एक गरीब परिवार की जिसके ऊपर ना बाप का ना भाई का किसी का सपोर्ट, किसी का साया नहीं था, वो गरीब घर की बिटिया मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हुए अगर वहाँ तक पहुँची है इतना संघर्ष करके तो कुछ खास बात जरूर थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे सभी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसके अंदर टैलेंट होता है तो हम लोग उसको उभारने का काम करते हैं, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। अगर उनका सपोर्ट हुआ होता तो उनको बिग बॉस से बाहर नहीं निकाला जाता। उनका सब लोग ये मजाक करते थे ना, वो गरीब घर की लड़की है, वो या ये खाती है वो खाती है, ऐसा बोलती है, देहाती टाइप का रहती है, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। अच्छा, रवि किशन को जानती है ना? जी बिल्कुल जानती हूँ। रवि किशन जाके कह रहे थे कि आपका जो है बातें सही नहीं लगती है, आप बोल रही हैं ऐसी भाषा नहीं है, आप ऐसा बोल रही हैं।
देखिए हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हम अपनी भाषा को, अपने देश की मिट्टी को, अपने देश के कल्चर को कभी भूल नहीं सकते। अगर अपने भाषा में अपने देश के कल्चर को निभाते हुए सब कुछ कह रहे थे, इसमें क्या बुराई है, बुरा क्या है? और अपने ही भाषा में बोलते थे, शिवानी जैसा कोई बोल के दिखाए, उनका सब लिपसिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं उनके आवाज़ पर, उनके लिपसिंग पर, तो कुछ खास था तभी ना, अच्छा लगता, कितना अच्छा बोलते, अरे भैया आप ऐसा हैं वैसा हैं, कितना अच्छा लगता था। बोलती हैं तो अगर बोलने लगती हैं तो हम तो सुनते ही रह जाते थे, कितना अच्छा लगता था। लेकिन रवि किशन जो एक एक्टर हैं और सांसद भी हैं, लेकिन उनका भी कभी गाना वायरल हुआ था, गाना निकाले थे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, और वो जाकर शिवानी कुमारी को बता रहे थे कि ऐसा नहीं बोला जाता। वही बताइए ना, वही बात बताइए, वो गरीब घर की है तो इसीलिए कि वो अपनी भाषा बोल रही है, तो इसका मतलब वो बिग बॉस तक नहीं पहुंच सकती, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। वो कलाकार हैं तो कलाकारों की कदर करना चाहिए उनको भाई। अब वो निकली हैं तो उनका एक ब्लॉग भी आया है, वो लगातार जो है बिग बॉस को दोष दे रहे हैं कि बताओ हम गए थे वहाँ पर और हम अच्छा खेल रहे थे, हमें क्यों निकाल दिया गया। वही बात ना, बहुत तकलीफ है, मैंने देखा उनकी माँ और सब कुछ, सब लोग रो रहे हैं। तब इतने दिनों से संघर्ष की थी जो आज उस मुकाम तक पहुँची थी, तो भाई उनके अजाज की बात है कि वो तकलीफ हुए होंगी, वो भड़केंगी सभी के ऊपर कि सभी के सपने पर, उन्हीं के नहीं पूरे यूपी का एक नाज था, एक गर्व था कि आज हमारी बेटी एक दिन बिग बॉस से जीत कर आएगी, कल हमारे भी बेटी बेटे तैयार होंगे तो शिवानी की देखी देखा वहां तक पहुंचने का वो कर सकते थे। बहुत शिवानी कुमारी अब बिग बॉस से बाहर भईली, शिवानी कुमारी अब बिग बॉस से बाहर भईली, पूरा यूपी के सिरवा के ताज रहली, पूरा यूपी के सिरवा के ताज रहली, शिवानी कुमारी अब बिग बॉस से बाहर भईली, रोवेली माई उनकर देखई जब टीवी, आसुवन के धार से भीगे लगरीबी, रोवेली माई उनकर देखई जब टीवी, आसुवन के धार से भीगे लगरीबी, सब हिक दिलवा के खास रहली, सब हिक दिलवा के खास रहली, पूरा यूपी के सिरवा के ताज रहली। वाह वाह, पूरा यूपी के सिरवा के ताज रहनी शिवानी कुमारी, लेकिन अब वही शिवानी कुमारी जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और गांव से वो गई थी बिटिया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो जीत कर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हरा दिया गया। लोग कह रहे हैं कि साजिश है, लोग कह रहे हैं कि साजिश है इसमें। बिल्कुल भाई, जब वहाँ तक पहुँची थी और वोट सब लोग शिवानी कितना पसंद कर रहे थे, इतना वोट कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे गांव के लोग बिग बॉस का मतलब कितने सारे लोग नहीं जानते थे, मैं खुद नहीं जानती थी बिग बॉस। जब बिग बॉस का नाम आया कि शिवानी बिग बॉस में जाने वाली हैं, बिग बॉस तक पहुँच गई हैं, तो हमने भी इस पर जिक्र किया कि बिग बॉस क्या चीज़ होता है, तब देखना शुरू किए, तब शिवानी के बारे में देख देख कर जाने। तो ऐसे सारी महिलाएं हैं, अभी हमारे मोनू भी बता रहे थे, खुशबू रानी जिस नाम से वायरल हो रहे हैं, वो भी कहते थे हमारे यहाँ के सब लोग काम टाइम निकाल कर, जब 9 बजता था कैमरे पे, जब शिवानी आती थी, जब बोलती थी, तो सब लोग अपना टाइम निकाल कर वहाँ जाते थे और देखते थे, गांव के सभी लोग जाने कि एक बिग बॉस का मतलब क्या होता है।